जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विधानसभा से उत्तराखंड की तत्कालीन मुख्यमंत्री व खटीमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने स्टार प्रचारक के रूप में आए दिल्ली से भाजपा पार्टी के सांसद मनोज तिवारी खटीमा के विभिन्न पूर्वांचल बहुमूल्य क्षेत्र में पहुंचे। वहीं स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने पूर्वांचल समाज के लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को यहां से विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने की भी अपील की। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। मैं खटीमा के जनता का प्यार देख रहा हूं। इसके पहले हम कहां गए थे हो? कहां? बंडिया। और बंडिया गए, वहां आधे घंटे में 1200 लोग आ गए। मैं जल्दी से भागा क्योंकि उतने लोगों के साथ परमिशन नहीं है। और मैं मेला घाट आया हूँ, रास्ते में लोग खड़े थे और सबके चेहरे से जो भाव है, धामी जी हमारा, पुष्कर धामी मेरा भाई, वो खटीमा से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और उत्तराखंड में मोदी धामी सरकार रिपीट करेगी। 6 महीना में दिल जीता है, अगले 5 साल में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, यही प्रार्थना है। पूर्वांचल समाज तो ही मेरा भगवान है, ओकरे कारण हम खड़ा बानी और हम पूरे मन और अपने संस्कार से ये हमरा पता चलल बा कि उत्तराखंड खातिर भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई दल नहीं हो सकेला। हम पूरे उत्तराखंड के गली गली में घूम के लोगन से प्रार्थना करतानी। पूर्वांचल तो साथ बटले ही बा, ओकर विशेष आशीर्वाद हमें मिले, ये खातिर हम सड़क पर घूमतन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपने 70 सीटों पे किस्मत अजमारी, उसके लिए क्या कहेंगे? आप देखो, जब से ये आम आदमी पार्टी वाले, ये विनाशकारी पार्टी है जी, दिल्ली में आई, आज दिल्ली सबसे पोल्यूटेड जगह बन गई है। दिल्ली में आई, आज सबसे गंदा पानी वहाँ मिल रहा है। दिल्ली में आई है, सबसे गंदी जमुना जी दिल्ली में है। आज दिल्ली में आया, सबका पेंशन बंद कर दिया है, खाली लूट में लगा हुआ है कि किसी तरह पंजाब में ये सरकार बना ले। इसका जो पोल खुला है दिल्ली में, उसका बहुत असर पूरे देश में है और उत्तराखंड में कोई इनको छूने नहीं जा रहा।